दोस्तों वेलकम टू माय चैनल आर डी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड क्रिएटिविटी। आज आपके सामने एक फिर से नया विजुअल लेके हाजिर हूँ मैं अरुण। आज हमारे सर्विस सेंटर में एक नया इंडक्शन आया है जिसका मॉडल जिसका कंपनी है दिव्या। ये एक लोकल कंपनी है, ये टच सेंसिटिव स्विच वाला इंडक्शन ओवन है। और इसका प्रॉब्लम है जब भी हम इस पर पावर दे के ऑन कर रहे हैं तब भी इसमें E0 का फॉल्ट आ रहा है। देखिए हमने इसका स्विच ऑन कर दिया और स्विच ऑन करने के बाद यहाँ पे E0 दिखा रहा है बार बार और बीप कर रहा है। और यहाँ पर देखिए पानी तो ठीक से उबल नहीं रहा है, मिल्क मोड पर चले गया है। तो आइए इसे खोलकर देखते हैं इसे कैसे रिपेयर किया जाता है, ये आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले आपको इसका डायग्राम समझना होगा। हमारा इंडक्शन का जो कॉयल आता है वो कॉयल में IGBT से PWM पल्स इंटर होता है और कॉयल का जो दोनों टर्मिनल है उन दोनों टर्मिनल से दोनों 820 के का रजिस्टर आता है। 820 के का रजिस्टर दोनों ही 1K एक रजिस्टर से ग्राउंड होता है, ये भी 1K रजिस्टर से ग्राउंड होता है। और यहाँ पर जो वोल्टेज फॉर्म होता है वो फॉर्म माइक्रोकंट्रोलर में इनपुट होता है। तो यहाँ से क्या पता चलता है, यहाँ पर अगर IGBT जो वोल्टेज PWM पल्स से तैयार कर रहा है, ये वोल्टेज पल्स यहाँ से होकर ये हमारे वोल्टेज डिवाइडर से बनकर यहाँ पर 2 से 3 वोल्ट बन जाता है। यहाँ पर भी 2 से 3 वोल्ट बन जाता है। यहाँ पर कभी भी आप लोड रखेंगे तो ये लोड आते ही यहाँ पर वोल्टेज डिफरेंस तैयार होगा। वोल्टेज डिफरेंस बन जाने से भी यहाँ पर थोड़ा सा वोल्टेज डिफरेंस आ जाएगा और ये माइक्रोकंट्रोलर सेंस कर लेगा कि यहाँ पर अब लोड डाल चुके हो, यहाँ पर कोई यानी कि कोई बर्तन अब यहाँ पे रख चुके हो। तो ये दोनों जो रजिस्टर है, ये दोनों रजिस्टर कोई भी ओपन हो जाने से ये आपका E0 का फॉल्ट आ सकता है, क्योंकि ये इंडक्शन का माइक्रोकंट्रोलर समझता है यहाँ पर कोई वोल्टेज बन नहीं रहा है तो यहाँ पर लोड नहीं डाला गया है। तो ये रजिस्टर ओपन हो जाने से या फिर रजिस्टर रेजिस्टिविटी बढ़ जाने से भी ये E0 का प्रॉब्लम आ सकता है। तो पहले आपको ये दोनों रजिस्टर चेक करना होगा। ये दोनों रजिस्टर सबसे बड़ा आता है बोर्ड में, तो आपको बोर्ड में जाकर एक बार दिखाते हैं तो आपको एकदम ठीक से समझ आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर कॉयल का जो दोनों टर्मिनल है, इस दोनों टर्मिनल से एक यहाँ पर से ट्रैक आकर यहाँ पर एक रजिस्टेंस है और यहाँ पर जो दूसरा टर्मिनल है दूसरा टर्मिनल से भी ये ट्रैक आकर यहाँ पर एक रजिस्टर है। ये रजिस्टर अब यहाँ पर देखिए ये दोनों रजिस्टर 820 के का रजिस्टर यहाँ पर आ गया और ये इन दोनों रजिस्टर से वोल्टेज डिवाइडर, तो ये दोनों रजिस्टर यहाँ से आके एक वोल्टेज डिवाइडर बन गया। वोल्टेज डिवाइडर बन के ये चला गया हमारा ये माइक्रोकंट्रोलर का पिंस पे। तो पहले हमको क्या करना होगा, ये दोनों जो मोटा मोटा रजिस्टर है ये रजिस्टर को बोर्ड से निकल कर चेक करना होगा कि ये ठीक से काम कर रहा है कि नहीं, या फिर वोल्ट इसका रेटिंग बढ़ गया है कि नहीं। तो इसके लिए हम इसको ओपन कर लेते हैं। दोनों को ही एक एक टर्मिनल ओपन कर लिए, फिर हम मल्टीमीटर को सेट करेंगे 2000 के रेंज पर और यहाँ पर एक एक रजिस्टर को हम चेक करेंगे 812, यहाँ पर भी 809 दिखा रहा है। रजिस्टर तो अभी एकदम ठीक वैल्यू दिखा रहा है, कोई भी गड़बड़ी नहीं कर रहा है, लेकिन ये हो सकता है कि हम जब इसे सोल्डरिंग आयरन से ओपन कर रहे थे तो अब इसका कोई इंटरनल चेंज होके इसका वैल्यू अगर ठीक हो गया फिर से, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, ये दोनों रजिस्टर को हम एकदम चेंज कर देंगे सेम वैल्यू से और चेंज करने के बाद इसे फिटिंग करके देखेंगे कि प्रॉब्लम सही होगा कि नहीं। इसके बाद ही हमको पता चलेगा कि रजिस्टर का ख़राब होने से प्रॉब्लम हो रहा था या फिर दूसरी कोई जगह से हो रहा है। तो आइए पहले इसका रजिस्टर को हम चेंज कर लेते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे ये दोनों पुराना रजिस्टर निकाल लिया और यहाँ पे हम गया हमारा नया रजिस्टर, इसको हम यहाँ पर सेट करेंगे। Thank you.
काम नहीं आता। दोनों रजिस्टर एकदम सही तरीके से सेट कर लिया। उसके बाद हम यहाँ पर टेम्पोरेली इसे चेक करेंगे। पहले इसको लाइन दे देंगे, और लाइन देने के बाद यहाँ पे इसे ऑन करेंगे इसे, और यहाँ पर बटन डालेंगे। देखिए यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से पानी उबल रहा है। इसका मतलब हमारा जो प्रॉब्लम था वो इन दोनों रजिस्टर की वजह से ही था। तो हम इसको इंडक्शन में एकदम सही से सेट कर देंगे, और सेट करने के बाद आपको फिर से एक बार चेक करके दिखाएंगे कि हमारा प्रॉब्लम गया कि नहीं। तो देखिए दोस्तों, हमने एकदम अच्छी तरीके से यहाँ पे सेट कर लिया। सेट करने के बाद इसे हम ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद देखिए यहाँ पर 2200 वाट दिखा रहा है और E0 दिखा रहा है। अभी हम इसमें बर्तन डालेंगे। बर्तन डालने के बाद देखिए यहाँ पर पानी उबालना चालू हो गया। यहाँ पे थोड़ा सा हमारा ढक्कन अलग है, लूज़ है, इसीलिए प्रॉब्लम हो रहा है। देखिए यहाँ पे सही तरीके से बर्तन गर्म होना चालू हो गया और पानी भी उबल रहा है। तो अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे और आपको काम करने में आसानी हो ये वीडियो देखकर, तो हमारा साथ रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, और हमारा चैनल इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारा साथ रहिए। आज के लिए वीडियो इतना ही। नमस्कार।